हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेमिसर। तो बच्चों, मैं आपको याद दिलवा दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ का अध्याय 1, जिसका नाम है बेटा वास्तविक संख्या है। ठीक है, आज उसका हम लेक्चर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। यदि आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर सारे प्रीवियस लेक्चर स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हम सभी प्रश्नावली को पढ़ रहे हैं, सभी उदाहरण कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको याद दिलवा दूं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। बेटा, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जो हमारी हमने प्रश्नावली 1.2 तो करवा दी। बेटा, हमारी प्रश्नावली 1.3 है, इसको हम स्टार्ट करने वाले थे। पर हम प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले कुछ उसके बारे में सीखते हैं। तो बेटा, कल मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट एक अपरिमेय संख्या है। क्या बताया था मैंने? अंडर रूट टू क्या बेटा? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है ये बेटा, सिद्ध करो में आता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि बोर्ड एग्जाम में इसका आना बेटा 100% डिसाइडेड होता है। 100% ये मैं बोल रहा हूँ। चाहे अंडर रूट टू आ जाएगा, अंडर रूट थ्री आ जाएगा, अंडर रूट फाइव आ जाएगा, अंडर रूट सेवन आ जाएगा। आप कहेगा कि प्रूफ करो कि अंडर रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो मैंने आपको बड़े लॉजिक तरीके से कल बताया था कि हम कैसे सिद्ध करते हैं कि अंडर रूट टू के एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आज बेटा हम सीधे प्रश्नावली पर इंटर करने वाले हैं। आज जो हमारी 1.3 प्रश्नावली है, आज उसका जो हमारा पहला सवाल है आज हम वो करेंगे। ठीक है, तो बेटा मेरी क्लास में आने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप कॉपी पेन उठा लो। ठीक है, कमरे के कोने में बैठ जाओ बेटा, लीड लगा लो, मुझे सुनो, मेरी बातों को सुनो, और बोर्ड पर नजर होनी चाहिए और हाथ चलने चाहिए मेरे साथ। ठीक है, इतना याद रखो। हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा, सिद्ध करो रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है कि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। पर बेटा, हम तो मैथ वाले हैं, हम तो किसी को भी कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, अब इन्होंने तो बोल दिया कि रूट फाइव भाई एक अपरिमेय संख्या, पर हम तो परिमेय मानेंगे। क्यों मानेंगे? हम तो मैथ वाले हैं। ठीक है, चलो मान लेंगे। हम माना रूट फाइव एक परिमेय संख्या है। क्या बेटा? मान लिया परिमेय संख्या है। ठीक है, सेम टू सेम बेटा उसी तरह होगा जैसे मैंने आपको कल एक क्वेश्चन करवाया था। पूरी क्लास में मैंने एक ही क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, पूरी डीपली तरीके से उसके बारे में सभी समझाया था। अब इसको हम फटाफट कर लेते हैं। रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको बेटा हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्यू को क्या करेंगे हम? क्यू को बेटा हम इधर भेज देंगे। जब क्यू इधर आ जाएगा तो क्या करेंगे हम? तो क्या हो जाएगा? रूट फाइव क्यू इज इक्वल टू पी। अब यहां से हम क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे तो पी वाई अंडर रूट फाइव आ जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम? अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्क करने पर क्या करेंगे बेटा? अब हम दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे। जब दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। रूट तो हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, यहाँ पर फाइव आ जाएगा। ठीक है, ये इसको बेटा हम बोल देंगे समीकरण नंबर 1। क्या बोल देंगे इसको हम? समीकरण नंबर 1। अब देखो क्या लिखेंगे, वही डिक्टो लिखेंगे जैसे कल बताया था मैंने। क्यू एक पूर्णांक है। ठीक है, चूंकि क्यू एक पूर्णांक है इसलिए क्यू स्क्वायर भी बेटा क्या होगा? पूर्णांक होगा। ठीक है, देखें इसलिए पी स्क्वायर, जो हमारी पी स्क्वायर है, फाइव से भाज्य है। क्या बेटा? फाइव से भाज्य है, इसलिए पी भी पांच से भाज्य होगा। ये बेटा मैंने आपको
कल की क्लास में बताया था ये एक परिमेय है, ठीक है। ये परिमेय कैसे है कि पी स्क्वायर पांच से भाज्य है, तो पी भी पांच से भाज्य होगा, ये एक परिमेय से बताया था, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, आगे करते हैं सोल्व। इतना तो हमारा हो गया, ठीक है। पी भी क्या होगा बेटा, पी भी पांच से भाज्य होगा, तो पी वाई पांच से हमने इसको भाज्य कर दिया। इसको भाज्य करके मान लीजिए कोई केवन एक पूर्णांक आया, केवन यहां पर क्या है बेटा, लिखेंगे केवन एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक है। केवन यहां पर क्या है, पूर्णांक है। अब फाइव को इधर ले जाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू फाइव केवन है, क्या आ जाएगा बेटा, p इज इक्वल टू फाइव केवन, ठीक हो। अब इसको बोल देंगे हम समीकरण नंबर दो, इसको क्या बोल देंगे, समीकरण नंबर दो। अब लिखेंगे समीकरण एक में p का मान रखने पर जो भी हमारी समीकरण नंबर एक थी, ये थी बेटा। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम p का मान रख देंगे, क्या रख देंगे इसमें हम p का मान रख देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बराबर p कितना है, p की जगह क्या रख देंगे हम, फाइव के वन, और p में बेटा यहाँ पर स्क्वायर है, तो इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और वटे में कितना है यहाँ पर, पांच है, पांच रख दिया हमने, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 केवल स्क्वायर बटे 5। अब इसको कटा लो, 5 कम 5, 5 बचे 25, तो यहाँ पर q की वैल्यू क्या आ जाएगी, q स्क्वायर इक्वल टू 5 केवल स्क्वायर। अब यहाँ से हम केवल की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगी, केवल स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 5, इतनी आ गई। तो ये हमारी समीकरण नंबर कितनी होगी, ये हमारी समीकरण नंबर 3। अब इधर देखो, ये बेटा हमारी कौन सी होगी, समीकरण नंबर 3 होगी। अब सेम टू सेम जो हमने ये लिखा है वहीं पे ये लिख देंगे, वहीं पे क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। चलो लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, के वन एक एक पूर्णांक है, चूंकि के वन एक पूर्णांक है इसलिए के वन स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, ठीक है। अब लिखेंगे इसलिए Q क्या बेटा, Q स्क्वायर दिखो यहाँ क्या लिखा है, Q स्क्वायर पांच से भाज्य है। अरे यार Q स्क्वायर पांच से भाज्य है बेटा, सेम क्वेश्चन होगा, यदि आपने ये क्वेश्चन कर लिया ना तो आपके पांच नंबर पक्के, इतना ध्यान रखो, पांच से भाज्य है इसलिए Q भी पांच से भाज्य होगा, इतना समझ लो, इतना हो गया, Q भी पांच से भाज्य हो गया। अब क्या करेंगे, फिर बेटा सेम करेंगे, Q बटे क्या लिख देंगे, Q बटे पांच लिख देंगे, Q बटे पांच, और जो भी ये भाज्य करके आएगा उसको हमने मान लिया के टू है। यहाँ पर के टू क्या बच्चों, के टू क्या है, यहाँ पर के टू एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब पांच को हम इधर ले जाएंगे, फिर पांच को इधर ले जाएंगे, तो Q की वैल्यू क्या निकल जाएगी, Q इक्वल टू 5K2 सॉरी, ये हमारी समीकरण नंबर 4 है। आप इधर सुनो, आप सुनो, अब इसको हमें आगे सोल्व और नहीं करना है, अब हम लिखेंगे कुछ चीजें। तो समीकरण नंबर 2 और 4 देखो, P की वैल्यू 5K1 और Q की वैल्यू कितनी है, 5K2। तो बेटा इसमें 5 देखो, P और Q के 5 बेटा जो संख्या है वो दोनों की उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और जिसका बेटा उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल के आ जाता है, जिसका HCF निकल के आ जाता है एक से कुछ भी अलग, तो बेटा वो सहभाज्य होती है, सहभाज्य होती है। यहाँ पर हम एक चीज लिखना भूल गए थे, एक चीज लिखना था हमें, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 तथा P व Q सह अभाज्य है। सह अभाज्य बेटा क्या होता है, यदि आपको ये जानना है तो आप हमारा फोर्थ वाला लेक्चर देखिए, कौन सा बेटा, फोर्थ लेक्चर देखिए, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके तो हमें गुणनखंड मिल गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया, तो बेटा ये सहभाज्य नहीं है, इसलिए हमारी पूर्व कल्पना गलत है। कौन सी पूर्व कल्पना, हमने मानी थी कि बेटा ये परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट होता है कि
संख्या संख्या पांच पी व क्यू के उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो मैंने बोला वही लिखना है यहाँ पर, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड है ठीक है। अतः हमारी नहीं लिखेंगे, अतः अतः ये सहवाच्य नहीं है, लिखेंगे अतः यह सह अभाज्य नहीं है ठीक है, लिखेंगे इस सहवाच्य नहीं है, फिर लिखेंगे अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है इसलिए अंडर रूट फाइव एक एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ठीक है। अंडर रूट फाइव इज इरेशनल नंबर ठीक है, ये अंडर रूट फाइव क्या बेटा हमारी एक अपरिमेय संख्या है, हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया पूरा, अंडर रूट फाइव हमारी क्या है एक अपरिमेय संख्या है। जिस जिस बच्चे ने स्क्रीन शॉट नहीं लिया वो इसका स्क्रीन शॉट भी ले लो, मैं हट जाता हूँ ठीक है, ले लो स्क्रीन शॉट ले लो, मैं आता हूँ जब तक, ले लिया स्क्रीन शॉट। तो बेटा ये था हमारा पहला क्वेश्चन, कौन सा था ये वाला हमारा, ये हमारा था पहला क्वेश्चन ना, कि हमें सिद्ध करना था अंडर रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या, ये हमने सिद्ध कर दिया ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं। आपने यदि एक बार प्रैक्टिस कर ली ना बेटा, जैसे ही मैं इसको क्लास हो जाए ना, तो आप इसकी एक बार बिना देखे प्रैक्टिस कर लेना, यदि आपसे बिना देखे ही बन जा रहा है ना, तो आप समझ लीजिए बेटा तैयार हो गए, क्या बेटा समझ लीजिए आप तैयार हो गए ठीक है। अब मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में दो प्रकार के क्वेश्चन है, एक तो बेटा सिंगल सिंगल दे देगा, अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव, अंडर रूट सेवन, अंडर रूट नाइन, ऐसे क्या है बेटा अपरिमेय संख्या ठीक है। अब बात करते हैं हम थोड़ा बड़े लेवल पर, हमें तो बेटा बड़े बड़े लेवल पे भी तो जाना, ये इस पर पढ़ो रहोगे पढ़े रहोगे आप। चलो एक उदाहरण करते हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किस किस प्रकार के क्वेश्चन है ठीक है, किस किस प्रकार के क्वेश्चन है, किस किस प्रकार के इस पे बेटा क्वेश्चन है ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा बड़े लेवल पर, किस पे चलेंगे, अब हम बड़े लेवल पर चलेंगे, ब्लैक ब्लैक हो रहा है ये, किस पे चलेंगे बेटा, अब हम चलेंगे थोड़ा एक उदाहरण देखते हैं, क्या देखेंगे एक उदाहरण देखते हैं, इसको मैं कपड़े से साफ कर देता हूँ, इसको कपड़े से साफ कर दो ना, मेरे साथ साथ सभी करेंगे ठीक है, इसको मेरे साथ साथ करेंगे सभी। लिखो एक उदाहरण है आपकी किताब का ही, उसमें लिखा है कि दर्शाइए, क्या दर्शाना है, दर्शाइए दर्शाइए कि थ्री अंडर रूट टू, अब यहां पर क्या गया, थ्री अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। देखो अंडर रूट थ्री क्या है बेटा अपरिमेय संख्या है, मैं ये दर्शाना है ठीक है, थ्री अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या, ये मैं सिद्ध करना है, सीधी सी बात है। पहले तो बेटा ये इस तरह से आ रहा था, अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव ठीक है, अंडर रूट सेवन, इस तरह ये वाले तो बेटा बहुत लंबे थे ठीक है, पर आपको ये देखने में लंबा लग रहा है पर ये बहुत छोटा है। अरे सर क्या कह रहे हो, हाँ बेटा बहुत छोटा है, देखो अभी फटाफट अभी करके दिखाओ, हम मान लेंगे, क्या मानेंगे भाई, लिखेंगे माना थ्री अंडर रूट टू एक परिमेय संख्या है बेटा, बहुत छोटा है ये तो परिमेय संख्या संख्या है ठीक है, माना अंडर रूट, माना थ्री अंडर रूट टू एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है तो क्या लिख सकते हैं इसको, परिमेय संख्या तो क्या लिख सकते हैं इसको, थ्री अंडर रूट टू बराबर पी वाई क्यू होगा ठीक है, तथा तथा क्या होगा बेटा, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तथा तथा पी वा क्यू सहअभाज्य है, सह अभाज्य है, इतना लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बेटा,
इसको हम इधर ले आते हैं, ठीक है, इसको हम इधर ले आते हैं, नहीं इसको नहीं, सुनो अंडर रूट टू की वैल्यू निकाल देते हैं यहां से, अंडर रूट टू की वैल्यू निकालेंगे तो पी वाई, ये थ्री यहाँ गुड़े पे है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो थ्री क्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, पी बटे थ्री क्यू, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर एक, क्या इसको मान लिया हमने, इसको मान लिया समीकरण नंबर एक। अब लिखेंगे, अब वही लिखेंगे फिर, चूंकि पी व क्यू एक एक पूर्णांक है, इसलिए थ्री क्यू भी एक पूर्णांक होगा। इतना लिख लिया। मैंने क्या बताया बेटा, मैंने बताया पी व क्यू एक पूर्णांक है, ठीक है, जो हमारे पी और क्यू बेटा क्या है, पूर्णांक है, तो हमने क्या बोल दिया, थ्री क्यू भी एक पूर्णांक होगा, इतना बोल दिया हमने, ठीक है। अब लिखेंगे ये बेटा दोनों पूर्णांक है तो क्या लिख देंगे फिर बाद में, इसलिए p अपॉन थ्री क्यू एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है, क्या बोल दिया हमने, इसलिए एक अपरिमेय संख्या होगी, इतना बोल दिया हमने, परंतु नीचे लिख दूं, इधर ले लेता हूं, लिखेंगे परंतु, क्या है परंतु क्या बेटा, मैंने इसको बोल दिया p बटे थ्री वाई क्यू एक अपरिमेय एक परिमेय संख्या है, परंतु बेटा समीकरण नंबर एक से देखो, परंतु समीकरण नंबर एक से, क्या एक से पी वाई थ्री क्यू, क्या बेटा पी वाई थ्री क्यू बराबर है अंडर रूट टू के, पी वाई थ्री क्यू अंडर रूट टू के बेटा बराबर है, मतलब जो ये है ना, इसको हमने परिमेय मान लिया, वो बेटा अपरिमेय के बराबर है, अपरिमेय के बराबर है ये संख्या, तो परिमेय है ये तो हमें पता है, तो ये भी अपरिमेय हो जाएगी, तो बेटा क्या है ये अपरिमेय है, समीकरण नंबर एक क्या है बेटा, अपरिमेय लिखेंगे जो कि एक अपरिमेय है, अपरिमेय, ठीक है, क्या हुआ, परंतु समीकरण नंबर एक से बेटा p अपॉन थ्री क्यू, हमने p अपॉन थ्री क्यू को क्या कह दिया, अभी ये परिमेय होगी ना, इसको परिमेय बोल, ये परिमेय लिखा है हमने, बोल दिया एक परिमेय हो, परिमेय संख्या होगी, पर बेटा क्या है, पर p बाई थ्री क्यू किसके बराबर है, अंडर रूट टू के, जो कि बेटा एक अपरिमेय संख्या है, क्या है बेटा एक अपरिमेय संख्या है, तो लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे अतः हमारे पूर्व कल्पना अतः हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, विरोधाभास है अतः हमारी पूर्व कल्पना, ये बहुत छोटा है, पूर्व कल्पना गलत है अतः क्या हो जाएगा, अतः थ्री अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, नोट करो इसको, हो गया ये, ठीक है, कुछ भी नहीं था, थ्री अंडर रूट टू एक परिमेय संख्या मान लिया, इसको पी वाई क्यू के बराबर रख दिया, इसको हमने अंडर रूट टू की वैल्यू निकाल ली, इसको समीकरण नंबर एक बोल दिया, बस सीधी सी बात, अब क्या करेंगे, लिख देंगे पी वाई क्यू एक पूर्णांक है, ठीक है, तो थ्री क्यू भी एक पूर्णांक होगा, पी वाई थ्री क्यू को हमने बोल दिया एक अपरिमेय संख्या होगी, फिर भाई दोनों पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या होगी, अब ये परंतु समीकरण पी वाई थ्री क्यू, समीकरण नंबर एक से क्या है बेटा, समीकरण नंबर एक पी वाई थ्री क्यू बराबर अंडर रूट टू, ये जो कि एक अपरिमेय संख्या है, तो बेटा हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास ही तो हो गया, हमने क्या माना था ये परिमेय संख्या है, पर ये तो अपरिमेय निकल गई, तो इसलिए हमारी पूर्व कल्पना गलत है और ये अंडर रूट थ्री अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, इतना आ गया समझ में, करो बेटा ये एग्जांपल है आपकी बुक का बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक क्वेश्चन और करता हूँ, उदाहरण कर लिया, चलो
अब करवाता हूँ दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, करवाता हूँ मैं, आपके ही बुक का ही है एग्जाम्पल बेटा। जितने आप एग्जाम्पल करेंगे ना आपका ही फायदा है, क्योंकि एग्जाम में डिक्टो एग्जाम्पल आ जाता है, क्वेश्चन कम आते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ज्यादा आ जाता है, तो आपको एग्जाम्पल पे भी ध्यान देना होगा, ठीक है, एग्जाम्पल भी ध्यान देना होगा। चलो एग्जाम्पल और देखते हैं, कहा है कि अंडर रूट, फिर कह रहा है दर्शाइए कि 5 - √3, इस बार माइनस आ गया, क्या बोला है 5 - √3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये हमें दर्शाना है। चलो करके देखते हैं इसको भी, वही सेम टू सेम क्या करेंगे, माना हम तो मान लेते हैं मैथ वाले, माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लिया हमने, परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 - √3 इज इक्वल टू पी वाई क्यू के रूप में, ठीक है, बट वट क्या बेटा, वट क्या है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 तथा पी वा क्यू, इसको लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, सह अभाज्य है, सह अभाज्य नहीं पता है, तो आप हमारा चौथा लेक्चर देखिए, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से बेटा हम √3 की वैल्यू निकालेंगे, किसकी बेटा निकालेंगे, √3 की वैल्यू, तो देखो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, √3 को उधर भेज देंगे और इसको इधर ले आएंगे, √3 इधर माइनस में है, यहाँ पर सुनो √3 क्या है, इधर सुनो √3 इधर माइनस में, उधर जाके किस में चला जाएगा, प्लस में, तो 5 = p/q + √3, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर p/q माइनस में है, क्या है बेटा ये p/q माइनस में है, सॉरी प्लस में, तो इधर जाके किस में चला जाएगा, माइनस में, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 - p/q क्या हो जाएगा, p/q इक्वल टू √3, कितना हो जाएगा, देखो सभी देखो कितना हो जाएगा, 5 माइनस, अब देखो क्या करेंगे इसका, अब हम एलसीएम ले लेंगे, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करते हैं ना, क्यू नीचे आ जाएगा, क्यू नीचे आ जाएगा, क्यू बन जा 1, क्यू बन जा क्यू, और ऊपर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 क्यू आ जाएगा, माइनस क्यू बन जा 1, 1 आ जाएगा पी, तो हमारा क्या आ जाएगा, 5q - p/q आ जाएगा, 5q - p/q आ जाएगा, इसको हमने बोल दिया समीकरण नंबर 1, क्या बोल दिया इसको हमने, समीकरण नंबर 1, इतना आ गया समझ में, इतना आ गया समझ में। अब वही, फिर वही बातें, क्या वही बातें, यहाँ पर लिख लेते हैं, चूंकि क्या लिखेंगे बेटा, चूंकि p/q एक उड़ांग है, वही सेम बात लिखनी है, उड़ांग है इसलिए क्या होगा, 5q - p भी पूर्णांक हो गया, पूर्णांक होगी, लिख लो जो 5q - p है वो भी एक पूर्णांक होगी, इतना लिख लिया, लिखेंगे इसलिए 5q - p/q एक अपरिमेय संख्या होगी, जब दोनों पूर्णांक है, तो उसको हमने बोल दिया कि जो ये पूरी है ये एक परिमेय संख्या होगी, अभी हम सोच ही रहे हैं ये होगी बेटा, आ रहा है ना सब, अभी हम सोच ही रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि है, हम बोल रहे कि होगी, तो क्या करेंगे, परंतु, फिर लिखेंगे वही परंतु, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 ये है, प्रश्न नंबर, समीकरण नंबर 1 से क्या है बेटा, 5q - p/q बराबर है अंडर रूट 3 के, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, मेरे साथ साथ सभी लिखा करो बेटा, अपरिमेय संख्या है, क्या मैंने बोला, ठीक है, हमने अभी इस संख्या को, किसको बेटा, इस संख्या को, हमने परिमेय बोला था, हमने सोचा था ये
परी में होगी। पर बेटा इसके बराबर में देखो क्या अंडर रूट थ्री जो कि एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने वही तो लिखा जो कि एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बेटा? जो कि ये अपरिमेय संख्या है, तो लिखेंगे ये हमारे पूर्व हमने पूर्व क्या मान लिया था, ये हमारे पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, ये हमारे पूर्व कल्पना का सेम टू सेम बेटा विरोधाभास है, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। ठीक है, अतः बस सोल्व हो गया। अतः 3 - √ कितना? √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हो गया, नोट करो इसको, वैसे साथ साथ नोट कर रहे होंगे, वैसे भी नोट करो बेटा। जिस बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो आपकी प्रश्नावली 1.3 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ, अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, नोट मेरे साथ साथ किया करो। दूसरा क्वेश्चन बेटा सेम टू सेम है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है सेम टू सेम है बेटा, कुछ भी नहीं करना है, जैसा अभी कर रहे हो वैसा ही करना है बस। फिर छोटा ही सही क्वेश्चन है ये, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं। ठीक है बच्चों, ये ज्यादा बड़े क्वेश्चन हमारे नहीं है। चलो देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि आपका तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है सिद्ध कीजिए कि क्या है बेटा, 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। इजी है, वेरी इजी है, जो अभी तक बताया बस वही कर देना, इसमें वही मान लेंगे 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या वही उल्टा मान लेंगे, परिमेय है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 + √5 बराबर पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब एक हमें कोटेशन लिखना पड़ेगा, 2-3 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, क्या क्यू इज नोज इक्वल टू 0 तथा पी वा क्यू सह अभाज्य है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से बेटा हम √5 की वैल्यू निकालते हैं, किसकी, √5 की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम, ये 3 है बेटा, ये 3 है, इस 3 को हम उधर भेज देंगे, इधर प्लस में है, इधर किसमें है, प्लस में है, तो उधर किसमें चला जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा, तो भेजते हैं इसको हम 2 + 2। अच्छा इधर बेटा क्या है, ये क्या है, चलो पहले हम 2√5, ठीक है, इसको हम उधर भेज देते हैं, पी वाई क्यू -3 इतना आ गया। ठीक है, अब इधर देखो ये किसमें, ये गुणा में है, ये गुणा में है बेटा, ये गुणा में, तो इधर किसमें चला जाएगा, इस भाग में चला जाएगा। अच्छा पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, 2√5 कितना हो जाएगा, क्यू एलसीएम आ गया इसका, क्यू बन जा क्यू, पी आ जाएगा इसका, यहाँ पर 1 होता है तो क्या हो जाएगा क्यू बन जा क्यू, और ऊपर 3 से मल्टीप्लाई होगी, 3 क्यू हो जाएगा, इतना हो गया, ये इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो क्यू यहाँ जो ये 2 है ना वो यहाँ पर आ जाएगा, क्यू बेटा यहाँ कहाँ पर, दो ये 2 है वो क्यू के पास आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √5 बराबर पी -3 क्यू / 2 क्यू, ये हमारी समीकरण नंबर 1 होगी। ठीक है, पी -3 क्यू और 2 क्यू, ये हमारी क्या हो गई बेटा, ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। अब सेम टू सेम फिर वही लिख लेते हैं, मेन चीज यहाँ पर है इसका प्रोसेस। ठीक है, ये चीज आप सोल्व करना सीखे,
कि कौन सी संख्या यदि गुणे में है तो वो नीचे भाग में चले जाएगी, इधर प्लस में है तो उधर ले जाएंगे तो माइनस में चले जाएगी, यदि इधर इधर माइनस में है तो उधर ले जाएंगे तो प्लस में चली जाएगी, ये चीज बेटा आपको आना चाहिए। यदि आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है, मैं वीडियो डाल दूंगा इसके ऊपर भी। अब देखो क्या करेंगे, लिख देंगे चूंकि पी व क्यू एक पूर्णांक है, इतना हमने बोल दिया पी व क्यू एक पूर्णांक है, इसलिए इसलिए क्या होगा बेटा पी माइनस थ्री क्यू, पी माइनस थ्री क्यू भी पूर्णांक होगा, ये हम सब मान रहे हैं पी वाई क्यू भी एक पूर्णांक होगा, लिखे इसलिए पी माइनस थ्री क्यू वाई टू क्यू एक, टू क्यू एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है, एक परिमेय संख्या होगी, इतना हमने लिख दिया, फिर एक परिमेय संख्या होगी हमने मान लिया, फिर लिखेंगे वही बेटा परंतु क्या मेरे बच्चों, परंतु समीकरण नंबर एक से, समीकरण नंबर एक से क्या, एक से एक क्या है हमारी, ये है पी माइनस थ्री क्यू वाई टू क्यू बराबर किसके है, रूट थ्री के, किसके है, रूट फाइव के, ना रूट फाइव के है, मैंने क्या लिखा, परंतु समीकरण नंबर एक क्या है, ये हमारी हमारी ये है, ठीक है, पी माइनस थ्री क्यू अपॉन टू क्यू बराबर किसके है, अंडर रूट फाइव के, तुमने लिख लिया, और जो की क्या है, लिखेंगे जो की, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या संख्या है, ठीक है, लिखेंगे यह है हमारी, ये हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास, विरोधाभास विरोधाभास है, हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, अतः अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, गलत है, लिख लेंगे गलत है, फिर लिख देंगे बेटा, फिर लिख देंगे क्या लिख देंगे, अतः थ्री प्लस टू रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या हो, वैसे अपरिमेय संख्या है, लिख दिया, लो बेटा हो गया दूसरा क्वेश्चन भी, हो गया ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी, साथ साथ में लिखा करो मेरे, उसको नोट भी कर लो, ठीक है, फिर हम सीधे चलेंगे तीसरे क्वेश्चन पे बेटा, किस पे चलेंगे हम फिर, सीधे तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक है, चलो अब चलते हैं हम सीधे तीसरे क्वेश्चन पे, मैं इसको रफ कर देता हूँ, मजा आ रहा है ना, ये बताओ मजा आ रहा है आपको करने में, कुछ भी नहीं है बेटा, मजे से करो इसको तो, इसको तो मजे से करना ही चाहिए, इसको तो मजे से करना चाहिए, क्योंकि सर हमको तो आ गया, अब तो हम मजे से करेंगे, आएगा क्यों नहीं बेटा, मैं किस लिए हूँ, मैं किस लिए हूँ, आएगा क्यों नहीं, लिखा है बेटा सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर थ्री है बेटा, उसका मैं फर्स्ट बता रहा हूँ आपकी, इसमें कुछ संख्याएं दे रखी है, फर्स्ट क्या है, तीसरे को फिर से देख लो, दे रखा है मैं वन अपॉन रूट टू, सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बेटा, सिद्ध पूरा लिख देता हूं, सिद्ध करो, सिद्ध करो अपरिमेय संख्या है बेटा, आपके तीसरे क्वेश्चन में तीन दे रखे हैं हमें संख्याएं, ठीक है, तीन ऑप्शन दे रखे हैं, तीनों के हमें हल करने, उसके हमें ज्ञात करना है कि ये तीनों क्या है बेटा, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है, करता है पहला वही मान लेंगे फिर हम, अरे सर ये तो क्वेश्चन हमें बोरिंग लग रहा है, क्या करें बेटा, करना तो है, माना वन अपॉन रूट टू एक परिमेय संख्या है, मान लिया हमने परिमेय संख्या, ठीक है, जब ये परिमेय संख्या है तो क्या होगा, परिमेय संख्या तो इसको बेटा वन अपॉन टू बराबर किसके, पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अब वही लिख देंगे हम, क्या लिखते हैं, क्यू इज नोज इक्वल टू जीरो तथा पी व क्यू सह अभाज्य है, सह अभाज्य है, ये लिख दिया हमने, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दिया,
अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, हमें तो यहाँ से रूट टू की वैल्यू निकाली, रूट टू को उधर भेज देंगे, इसके ये नीचे आ जाएगा, क्या करेंगे, इस तरह करेंगे काम, इस तरह सब, ठीक है, इसको इधर भेज देंगे ऊपर, पी को नीचे ले आएंगे, इसको ऊपर भेज देंगे, समझे। तो क्या हो जाएगा, रूट टू इजिकल टू पी नीचे आ जाएगा, क्यू ऊपर आ जाएगा, क्यू अपॉन पी, ये हमारी होगी समीकरण नंबर एक। क्या होगी बेटा ये समीकरण नंबर एक, फटाफट वही लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, चूंकि पी व क्यू एक एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, इसलिए इसलिए क्या लिखेंगे, क्यू वाई पी भी एक पूर्णांक है, सीधा लिख लिया मैं, क्या लिखा, पी वाई क्यू एक पूर्णांक है, इतना लिख लिया, पूर्णांक है पी वा क्यू, क्या है, एक पूर्णांक है, दोनों तो पूर्णांक है, तो लिख लेंगे क्यू अपॉन पी, क्यू अपॉन पी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या संख्या होगी, ये हमने मान लिया था होगी, ये होगी, परंतु लिख देंगे परंतु, क्या परंतु, समीकरण नंबर एक से, समीकरण नंबर एक से पी क्यू वा पी, क्यू वा पी बराबर है रूट टू के, जो कि एक लिखेंगे, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, जब अपरिमेय संख्या है तो हमारी कल्पना गलत हो जाएगी, लिखेंगे यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है, हमने माना कुछ और था, निकला कुछ और, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ऐसी वाली बात है, विरोधाभास है, लिखेंगे अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, गलत है, अतः क्या लिखेंगे, अतः, अतः क्या है बेटा, वन अपॉन रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये हमने लो हो गया सोल्व, चार लाइनों हो गया सोल्व, ठीक है, जितना बड़ा दिख रहा है उतना ही छोटा है, इतना हो गया, हो गया, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था। अब करते हैं दूसरा, मैं इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ, ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब बेटा थर्ड का ही करेंगे हम, सेकंड वाला, सेकंड क्या दे रखा है हमें, सेवन रूट फाइव, अभी तो किया था ये थोड़ी देर पहले, ये मैंने एग्जाम्पल में करवाया था आपको, चलो कर लेते हैं इसको ही। तो चलिए बेटा अब हम फटाफट दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, सात अंडर रूट फाइव, इसको हमें सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है, क्या बेटा सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या करेंगे हम, सीधे वही इसकी तरह बेटा, सेम टू सेम, तीनों क्वेश्चन सेम टू सेम होंगे, ठीक है, मैं आपको अब बस यही एक क्वेश्चन करवाऊंगा और एक क्वेश्चन आपको दूंगा मैं होमवर्क में, ठीक है, देखो क्या लिखना है, फिर लिखेंगे माना, माना फाइव रूट सेवन रूट फाइव एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसको हमने मान लिया, अगर ये परिमेय है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सेवन रूट फाइव बराबर पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं ना, अब लिख देंगे क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो तथा पी वा क्यू सह अभाज्य है, सह अभाज्य है, ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहां से बेटा हम रूट फाइव की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रूट फाइव निकाल लेंगे, रूट फाइव इक्वल टू क्या होता है, रूट फाइव इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर सेवन गुड़े में है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, भाग में, तो पी बटे सेवन क्यू आ जाएगा, इसको हमने बोल दिया समीकरण नंबर एक। अब क्या लिख देंगे बेटा, अब फिर वही बात है, हम लिखेंगे जो हमेशा लिखते आ रहे हैं, क्या लिखते हैं, पी वा क्यू, चूंकि पी वा क्यू एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक है, क्या लिख देंगे, पी वा क्यू एक पूर्णांक है, तो क्या करेंगे हम, इसलिए पूर्णांक, इसलिए सेवन क्यू भी पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा, होगा, लिख देंगे पूर्णांक होगा, फिर हम मान लेंगे इसकी तरह क्या लिखा था, पूर्णांक होगा, इसलिए बोल देंगे हम पी अपॉन सेवन क्यू एक परिमेय संख्या होगी, ये हमने मान लिया होगी, फिर लिखने परंतु, क्या बेटा, परंतु
परंतु समीकरण नंबर एक से क्या बेटा, परंतु समीकरण नंबर एक से क्या है हमारी, समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर क्या है ये हमारी पी वाई सेवन क्यू बराबर रूट फाइव, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये, जो कि एक बेटा अपरिमेय संख्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है लिखेंगे। यह हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। हमने तो माना था ये परिमेय संख्या पर यह परिमेय निकलेगी, अतः क्या बेटा, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, पूर्व कल्पना गलत है। तो इसलिए क्या है बेटा, इसलिए सेवन रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब बेटा एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको मैं आपको होमवर्क में देता हूं। लिखो, सभी लिखो, एच डब्ल्यू में क्या है बेटा, आपको सिद्ध करना है कि सिक्स प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है बेटा। बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है और आशा करता हूं कि आपके ये सभी क्वेश्चन समझ में आए हो। यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, और बेटा ये एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, ठीक है। जितनी बार देखोगे ना आप, तो आपके माइंड में सेट होता जाएगा, ठीक है बच्चों। तो फिर आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। जब तक के लिए बेटा आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।